ओम शांति। मुरली का तारीख है 12/11/2018। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न, कहावत है अपनी गोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी गोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत, तूने रात गवाई सोके, दिन गवाई खाके, ओम शांति। या सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी है। अनेक प्रकार की मते गुरु लोग देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्त। कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, या भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं या सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर या तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो पहला, ईश्वर सबका फादर ठहरा, फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ या कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए हैं, फिर विकार की दृष्टि जाना सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे और फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे। या कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, उनको भी रचने वाला वहाँ है। सुख गनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख गनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है, सुख में जाने की वहाँ माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वहाँ भी जरूर गाड़ की संतान ठहरे, तो गाड़ फिर कौन? बच्चे या तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं या सब धर्म वालों के लिए है, सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धियोग टूटा हुआ है। माया गोस्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धियोग तोड़ती है। बाप आकर गोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, यहाँ है ही गोष्टों की दुनिया।
काम विकारूपी गोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना गोष्ट का काम है, सत्युग में गोष्ट होता नहीं। तो यहाँ भी समझाया है गोष्ट नाम बाइबल में है, रावण माना गोष्ट या है ही गोष्ट का राज्य, सत्युग राम राज्य में गोष्ट होता नहीं, वहाँ सुख गनेरे होते हैं। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं, वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वहाँ तो एडॉप्ट करते हैं, सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं, नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां है परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, या शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बचाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं? वहाँ बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सत्युग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम मात पिता के बालक है, हम है नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा ब्रह्मा को। बुझाए बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, या सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वहाँ चला आ रहा है, या राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं, या स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी गोट तो नशा रहे परंतु बुद्धियोग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धियोग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं, थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए मात पिता जो नंबर वन पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं, उनको तो बहुत भोगना भोगनी पड़े। परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है, नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम
स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं, बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है, छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कराना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माँ बाप का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। या भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां है, बल माताएं हैं, परंतु वहां भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना, या मोह बड़ा खराब है, या भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। गोस्ट माया का धंधा ही है, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। या ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है, इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तुम माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं, कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते तक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबर वार है, कर्म भोग भी होता है। उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख गनेरे मिलते हैं, या ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की कात्री करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यहाँ भी रथ है ना, अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है, घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत कात्री करते हैं क्योंकि उस पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा कात्री नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। यहाँ सब किसम किसम के क्यालात चलते हैं, स्नान के समय घूमने के समय, या तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, या अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ,
तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सत्युग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए यहाँ पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। सात रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता धारणा करके जाओ, भगवान के बच्चे है तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे, जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते, आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, स्वयं को माया गोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गवाना नहीं है। वरदान, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भवा। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते, मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। श्लोगन, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गायी हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आये इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए।
फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे ही मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उनों की आशा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती तो वो आशा सत्युग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।